क्या कहना है डेजी शाह का रेस्ट्री के अपने डायलॉग आर बिजनेस इज आर बिजनेस के बारे में। आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, ये डायलॉग वायरल हो रहा है ऑनलाइन। रेस्ट्री के ट्रेलर में देखने के बाद डेजी शाह के इस डायलॉग को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया और काफी पॉपुलैरिटी भी मिली। 33 साल की सलमान खान की कोस्टार डेजी इस बात को लेकर काफी खुश है कि उनका डायलॉग डे टू डे लाइफ में आ गया है और पॉपुलर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने नहीं सोचा था कि डायलॉग इतना अच्छे से लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसके लिए डे टू डे लाइफ के अलग वर्जन बन जाएंगे। यहाँ तक कि मेरे घर में भी मेरी सिस्टर से मेरी कोई कॉन्वर्सेशन होती है तो वो कहती है, डूड इट्स माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझसे ज्यादा खुशी हो रही है सलमान को ये देख के, इसलिए मैं काफी खुश हूँ। सलमान के साथ जय हो में डेजी ने डेब्यू किया था। उन्होंने कहा था कि वो एक मेंटोर हैं, वो कभी ये नहीं करते कि आपके कंधे पे पांव रख के आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने अगर आपको साथ लिया है तो वो आपकी ग्रोथ को भी अश्योर करेंगे और फिर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। जब जब सलमान के पास मेरे लायक कोई काम आया, उन्होंने खुद फोन किया है, मैंने उनसे कभी काम नहीं मांगा। इस मल्टी स्टारर फिल्म में डेजी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बहुत सारा एक्शन कर रही है। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि हमने कभी बॉडी डबल यूज नहीं किए, मैंने और जैकलिन ने काफी ट्रेनिंग ली है, मैंने किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट और एरियल ट्रेनिंग ली है और काफी हार्ड वर्क किया है इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को एक परफेक्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। तो उम्मीद कर रही हूँ कि बड़े पर्दे पर भी वो कमाल का नजर आएगा। एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर से फिल्म की एक्टिंग में आने का सफर डेजी के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है। डेजी का ये कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था एक्टिंग के बारे में, मैं हमेशा एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन जिंदगी में कई बार जो चीजें लिखी नहीं होती वो आपको मिलती नहीं है। उनको खुशी है कि उन्हें सलमान खान मिले और फिर उन्हें मिला फिल्म इंडस्ट्री में आने का मौका बतौर एक्टर। 15 जून को फिल्म रिलीज होगी। देखना है डेजी शाह के करियर में ये फिल्म कितना बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होती है।